इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई, जहां पर इस वक्त सैलाब का बड़ा संकट आ गया है। डेढ़ दर्जन से ज्यादा जिले बाढ़ की चपेट में हैं और सबसे ज्यादा तबाही कोंकण के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में हुई है। कोंकण में बारिश मूसलाधार मुसीबत बनकर आई है। पिछले 48 घंटे से चिपलून डूबा हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स की टीमें जुटी हुई हैं। वहीं चिपलून में एनडीआरएफ की 4, नेवी की 5 टीमें तैनात की गई हैं। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से आई हुई ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम इलाके शहरी इलाके हैं, इसे ग्रामीण इलाकों से आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बारिश का पानी शहरों में इस कदर बह रहा है, इतना हावी हो गया है बाढ़ का ये संकट कि अब क्या गांव क्या शहर, सब एक नजर आते हैं। कहीं रेल की रफ्तार रुक गई है, कहीं सड़क जाम है, कहीं लोग आफत की बारिश से बचने के लिए आशियानों की तलाश कर रही हैं। बाढ़ के पानी की वजह से मुंबई गोवा हाईवे बंद कर दिया गया है। रत्नागिरी में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए नेवी की टीम पहुंच चुकी है। सतारा में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की खबर थी। चिपलून में रेस्क्यू टीम ने, एनडीआरएफ की टीम ने लगातार प्रयास किया। महाबलेश्वर में रिकॉर्ड बारिश हुई तो कल्याण में घरों में पानी घुस गया। रायगढ़ में हालात बहुत बदतर हैं। कई नाव और गांव और कॉलोनी पूरी तरीके से पानी में डूब गए हैं और नावों के जरिए लोगों को बचाया जा रहा है। सबसे पहले आपको रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर दिखाते हैं, जहां सबसे ज्यादा तबाही हुई है। रत्नागिरी के चिपलून में मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम जुट गई है। आज सुबह 6 बजे से ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। रत्नागिरी में एनडीआरएफ के साथ ही नेवी, आर्मी, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर भी मदद में जुटे हुए हैं। चिपलून में ऐसी स्थिति है कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। कोंकण इलाके की भी तस्वीर आप देखिए, जहां पर तबाही के ग्राउंड जीरो पर इंडिया टीवी संवाददाता मौजूद है। आपको उनकी रिपोर्ट देखकर ही अंदाजा लग जाएगा कि महाराष्ट्र पर यह मुसीबत कितनी बड़ी कितनी भारी। रत्नागिरी जिले और उसके आसपास के जिलों में इस वक्त बहुत तेज बरसात हो रही है। इस वक्त हम चिपलून के बिल्कुल नजदीक हैं और चिपलून शहर इस वक्त पूरी तरीके से जलमग्न है, और उसके पीछे जो वजह है वो आसपास की बहने वाली नदियां बता रही हैं कि किस तरीके से, किस वेग से, किस रफ्तार से इस वक्त इन नदियों में पानी बह रहा है। छोटे मोटे पुल जो हैं उन्हें ध्वस्त करता हुआ जा रहा है। ये चिपलून जाने के रास्ते में, सतारा से चिपलून जाने के रास्ते में कोई गांव है और वहां पर इस वक्त एक छोटा सा पुल जो है वो बह गया, और पानी का वेग देखिए, रफ्तार देखिए, कुछ भी इसके सामने आएगा उसे अपने साथ बहा के ले जाएगा। और लगातार जमीन जो है वो कट रही है। हम किनारे पर रह के आपको यहाँ की स्थिति बता रहे हैं। सरकार को पता चला है कि इस इलाके में लोग फंसे हैं, यही वजह है कि नेवी से मदद मांगी गई है। नौसेना जो है वो इन इलाकों में पहुंची है, एनडीआरएफ की टीम पहुंची और लोगों को बताने की कोशिश करे, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में काफ़ी हैं बताने के लिए कि फिलहाल इस इलाके की हालत खराब है, बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। महाराष्ट्र के किन किन इलाकों में बारिश के साथ आफत आई है, अब ये आपको बता रहे हैं। मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी, उल्हासनगर और रायगढ़ की तस्वीरें आप जब देखेंगे तब आप हैरान रह जाएंगे। इसके अलावा बदलापुर, महाबलेश्वर में तो इस बार रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है। कोल्हापुर, चिपलून, नागपुर, सांगली के साथ ही अकोला और अमरावती के हालात इस वक्त बेहद खराब है। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों के नाम हम आपके सामने रख रहे हैं। चिपलून से महज कुछ किलोमीटर दूर है पाटन का इलाका, और यहीं से तस्वीरें दिखने शुरू हो गई हैं, और इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि चिपलून की हालत इस वक्त कितनी खराब है। कोयना नदी है जो चिपलून से बहकर आ रही है। चिपलून से बहकर आती हुई इस नदी का रौद्र रूप देख लीजिए। नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, पूरी तरीके से लबालब भरी हुई है। साथ ही नदी का रंग, जो पानी है वो इस वक्त लाल है, ये बताता है कि मिट्टी लेकर ये नदी अपने साथ बह रही है। कई जगह पर भूस्खलन हुआ है, साथ ही कई जगह पर चट्टानें खिसकी हैं और वो सारा मलबा जो है वो नदी में आ गिरा है। इस वक्त इस नदी का रौद्र रूप देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे हालत कितनी खराब होगी। चिपलून में इस वक्त हजारों लोग फंसे हुए हैं,
एनडीआरएफ की टीम, नेवी की टीम लगातार कोशिश कर रही है, स्टेट डिजास्टर रिलीफ की टीम कोशिश कर रही है लोगों को बाहर निकालने के लिए, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पर रेस्क्यू टीम्स पहुंच नहीं पा रही हैं और यही वजह है कि हालत खराब हो रही है। लगातार कल रात से डिस्ट्रेस कॉल्स वहां से आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि लोग अपने घरों के छत पर हैं और छत तक पानी पहुंच रहा है लेकिन उन तक मदद नहीं पहुंच पा रही है और उसके पीछे वजह है लगातार हो रही बरसात और आसपास की नदियों में जो पानी उफान पे आया है उस वजह से पूरा का पूरा चिपलून शहर डूब गया है। कोल्हापुर में बारिश ने कहर बरपा रखा है। सांगली बाईपास के पास एक बस फंस गई है जिसमें कुल 11 लोग सवार थे। गनीमत इस बात की रही कि वक्त रहते सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, वरना ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। कोल्हापुर के चिखाली इलाके में एनडीआरएफ मदद में लगातार जुटी हुई है। एनडीआरएफ की टीम बाढ़ में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जा रही है। देखिए कैसे रस्सी के सहारे एक एक कर लोग अपने आप को संभालते हुए पानी के तेज बहाव के बीच से आगे बढ़ते जा रहे हैं। कोल्हापुर में इतनी बारिश हुई कि लैंडस्लाइड हो गया और सड़क बह गई। यह हादसा कोल्हापुर के भूदरगढ़ में हुआ। लैंडस्लाइड के बाद गारगोटी और कोल्हापुर को जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह से तबाह हो गई। आप ये देखिए, सड़क बीच में से पूरी तरह से बह चुकी है, धस चुकी है। लोगों के सामने चारा नहीं है, अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से निकलना ही होगा और इसलिए एनडीआरएफ और नेवी की टीम इस वक्त युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। रायगढ़ जिले की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं जहाँ पर सावित्री नदी उफान पर है। नदी में बाढ़ की वजह से पूरा महाड़ तहसील बाढ़ की चपेट में आ गया है। कई गाँव में पानी घुस चुका है, हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार मदद में जुटी हुई है। अब आपको रायगढ़ ले चलते हैं। रायगढ़ में किस तरीके से स्थिति है वो स्थिति आपको हैरान करेगी, जहां पर एक ब्रिज के नीचे से नदी का पानी छूते हुए गुजर रहा है। आप ये देखिए, इस ब्रिज की ऊंचाई अब कुछ रही नहीं गई, नदी का पानी इस ब्रिज से छूते हुए निकल रहा है और ऐसे में अब इस ब्रिज को प्रशासन ने डेंजरस कैटेगरी में डाल दिया है। इस पुल से गुजरने के लिए पूरी तरह से मनाही है क्योंकि ये पुल कभी भी गिर सकता है या पानी का स्तर अगर और बढ़ा तो ये पुल भी इसी नदी में डूब सकता है। रायगढ़ के एक दूसरे इलाके की तस्वीर और आपके सामने रखते हैं। यहाँ नदी इस कदर उफनाई कि पुल के ऊपर से गुजर रही है। सैलाब का ऐसा कहर इससे पहले रायगढ़ के लोगों ने कभी नहीं देखा था। घरों में पानी घुस गया है, पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, नदी उफान पर है, लोगों के लिए जान का संकट बन गया है। बिजली पानी की व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो गई है। महाराष्ट्र में बारिश और बाढ़ का ऐसा कहर आया कि इंसान से लेकर भगवान तक सब पानी पानी हो गए। ये पुणे के पास खेड़ में ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर मंदिर की एक तस्वीर है। मंदिर के बाहर की तस्वीर आप देखिए और फिर मंदिर के भीतर शिवलिंग तक पहुंचे हुए पानी को देखिए। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों से लगातार मूसलाधार बारिश ने जिंदगी को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। मंदिर के प्रांगण तक पानी घुसा, शिवलिंग तक पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। अब सतारा जिले की तस्वीर आपको दिखाएंगे जहां पर कमोबेश एक से हालात है। बाढ़ की वजह से हालात बिगड़े हुए हैं, कहीं कहीं लैंडस्लाइड हुआ। भारी बारिश की वजह से सतारा में 5 मकान ढह गए, इनमें से 27 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।